पालघर जिले के नालासोपारा पुलिस ने महिलाओं के गले से चेन खींचने वाले 3 अलग अलग टोली और 5 आरोपी को किया गिरफ्तार, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। वहीं इन सबके पास से 4 मोटरसाइकिल व 63 ग्राम सोने के दागिने नालासोपारा पुलिस ने बरामद किया। इनमें से एक आरोपी मुंबई के बांद्रा रेलवे पुलिस थाने से वॉन्टेड है। वहीं पुलिस की माने तो पहली टोली दिन में देखती थी कि कौन सा घर बंद है, उसके बाद चोरी करते थे। वहीं दूसरी टोली मोटरसाइकिल चोरी करके रास्ते पर चलते हुए महिलाओं के गले से मंगलसूत्र लेकर भागते थे। और तीसरी टोली अयाज खान, जो कि बांद्रा रेलवे पुलिस में 5 साल से वांटेड है। पेश है नालासोपारा की खास रिपोर्ट। मतलब अभी केसेस का डिटेक्शन हुआ है। एक केस में 2 एक्यूज्ड हैं, जिसमें 3 मोटरसाइकिल मिली है और उसमें 5 और चेन स्नैचिंग के अभी डिटेक्शन होने बाकी है और 2 और बाइक के डिटेक्शन होने बाकी है। उसमें नालासोपारा और मानिकपुर पुलिस स्टेशन दोनों के केसेस के डिटेक्शन है और अभी तक टोटल 75,000 के रिकवरी हुई है। एक दूसरे केस में 2 आरोपी हैं, जिनसे 4 केसेस का डिटेक्शन हुआ है, जिसमें 3 चेन स्नैचिंग है, 3 चेन स्नैचिंग और 1 बाइक चोरी का डिटेक्शन है। इसमें अभी तक टोटल अप्रॉक्सीमेटली 150,000 के मुद्दे माल का रिकवरी हुआ है। और तीसरी जो टोली है, उसमें 2 एक्यूज्ड हैं, जिसमें से 1 अभी वांटेड हैं। उनसे 3 घरफोड़ी डिटेक्ट हुआ है और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 51,000 का मुद्दे माल रिकवर हुआ है। टोटल रिकवरी अभी 275,000 की हुई है और अभी 5 चेन स्नैचिंग में रिकवरी होनी बाकी है। आगे एक नाबालिग लगता है। जो मोटरसाइकिल चोरी की गई थी, हाँ, उसी को चेन स्नैचिंग के लिए यूज किया गया था। एक ऐसा केस। सर, ये जो पूरा ग्रुप है वो बेकार लोग हैं और ऐसे कुछ काम नहीं करते और ये अभी यही काम करते हैं। सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें एक केस में 2 मानिकपुर के हैं, एक केस में 2 हनुमान नगर के हैं और एक केस में 2 बांद्रा के। इनका चोरी करने का तरीका कैसा था? घर फोड़ी जो भी है वो दिन की घर फोड़ी है। ये सर्वे करते थे कौन से घर बंद हैं, कौन से रूम बंद हैं और वहाँ पे घर फोड़ी करते थे। सर, क्या दिन में ये लोग रेकी करते थे और रात को चोरी करते, ऐसा कुछ है? जो घर फोड़ी वो दिन की है और चेन स्नैचिंग अलग अलग टाइम की है और इनका काम था रेकी करना और उसके बाद चोरी करना। पकड़े गए आरोपियों में सर के सबके नए रिकॉर्ड हैं, एक्सेप्ट एक का जो है उसके 5 केसेस बांद्रा रेलवे पुलिस थाने में हैं, जिसमें वो फरार। Thank you.